सभी को नमस्ते आइए जानें जादुई पिटारा के बारे में जादुई पिटारा एक ऐसा अद्भुत खेल पिटारा है जिसमें बुनियादी स्तर के बच्चों के लिए बहुत सी खेल सामग्री है आप इस जादुई पिटारे की खेल सामग्री से बहुत सी रुचिकर क्रियाएं और गतिविधियां बुनियादी स्तर के बच्चों के साथ करा सकते हैं आज हम बात करते हैं रंग श्रृंखला कार्ड की और इसे बच्चे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इन रंग श्रृंखला कार्ड का उद्देश्य बच्चों में भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों की पहचान कर पाना रंगों को हल्के पन से गहरेपन की ओर क्रमानुसार लगाना अवलोकन क्षमता का विकास एवं संवर्धन तथा तार्किक चिंतन कौशल का विकास करना है अब बात आती है इस खेल क्रिया को कराएं कैसे बच्चों के सामने एक ही रंग के अनेक शेड वाले कार्ड फैलाएं, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूं सबसे पहले आपने गहरा लगाया उससे थोड़ा हल्का उससे थोड़ा हल्का और उससे थोड़ा और हल्का सुनिश्चित करें कि बच्चे सभी कार्डों को अच्छी तरह से देख पा रहे हैं बच्चों को बारी बारी से आगे बुलाएं और उन्हें इन कार्डों को गहरे से हल्के रंगों के क्रम में लगाने को कहें तत्पश्चात बच्चों को हल्के से गहरे रंगों के क्रम में लगाने को कहें बच्चे द्वारा कार्डों को गहरे से हल्के का क्रम देने के बाद बाकी बच्चों से पूछें कि कार्ड सही क्रम में रखे हैं या नहीं बच्चों से ये भी कहें कि कार्डों को क्रम में रखते समय ये भी बताते जाएं कि ये फूल जो है सबसे गहरे गुलाबी रंग का ये फूल इस फूल से थोड़ा हल्के गुलाबी रंग का ये फूल इस फूल से थोड़ा सा हल्के रंग का और ये फूल सबसे हल्के गुलाबी रंग का जब बच्चा कार्डों को इस तरह से क्रम में लगाता है और साथ ही उसे एक्सप्लेन भी करता है तो बच्चे गणित के लिए तैयार होते हैं और साथ ही बच्चों की अभिव्यक्ति सही प्रकार से हो पाती है वो ये कह पाते हैं कि ये गहरा ये उससे कम गहरा ये उससे कम गहरा और ये सबसे हल्के रंग का इसी तरह से मेरे पास कुछ और कार्ड भी हैं जो मैं आपको उदाहरण के तौर पे दिखाती हूं जादुई पिटारा के अंदर आपको इस रंग श्रृंखला के सेट के चार कार्ड्स मिलेंगे गुलाबी हरा नारंगी और नीला तो आप ये देख पा रहे हैं उदाहरण के तौर पे मैं आपको पतियों को गहरे से हल्के रंगों के में लगाने के लिए कह रही हूं एक बात और यहां पर जब छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों को आप खाली दो कार्ड दें जैसे कि सबसे गहरे रंग की पत्ती और ये हल्के रंग की पत्ती तो ये गहरा हरा रंग और ये हल्का हरा रंग जब बच्चे दो में कंपैरिजन कर पाए तो आप एक कार्ड और ऐड करते हैं उदाहरण के तौर पर तीन उसके बाद आपने ये कार्ड तीन लेवल में दिए और बच्चों को इन्हें तीन लेवल पे एक्सप्लेन करने के लिए कहें जैसे ये पत्ती जो है ये सबसे गहरे हरे रंग की ये पत्ती इस पत्ती से थोड़े हल्के हरे रंग की और ये पत्ती सबसे हल्के हरे रंग की जब बच्चा तीन लेवल पर एक्सप्लेन कर पाता है और उसको क्रमानुसार रंग श्रृंखला में लगा पाता है तो आप एक पत्ती और ऐड कर देते हैं और इसके बाद बच्चे को बोलते हैं अब इन पत्तियों को अरेंज करो और इसे एक्सप्लेन करो कि तुमने किस तरह से इसको अरेंज किया है इसी तरह से आप और भी रंगों के कार्ड ऐड कर सकते हैं जिससे बच्चा सभी प्रकार के रंगों से परिचित हो जाए आप अपने जादुई पिटारे में नई नई खेल सामग्री डाल सकते हैं बच्चों के साथ मिलकर नई खेल सामग्री का सृजन भी कर सकते हैं। पिटारे आप भी अपने पिटारे के लिए अपने बच्चों की आयु अनुरूप खेल खिलौने का चयन करिए और बच्चों को रुचिकर तरीकों से सीखने में मदद करिए जिससे वे आगे की कक्षाओं के लिए तैयार हो पाए